दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका प्लम्बर स्पेशलिस्ट चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आउटसाइड प्लम्बिंग वर्क करने के बारे में बताऊंगा, कौन सा लाइन आपको कितने इंच का उतारना है और कितना लाइन उतारना है एक डक्ट में, इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप दोस्तों एक बंगले का काम करते हो तो यहाँ पे आपका दोस्तों आउटसाइड का लाइन आ रहा है, वहाँ पे सबसे पहले आपको डोरी छोड़कर उसको ओलंबो कर लेना है, उसके बाद में उसमें खिल्ला ठोककर उसमें डोरी अच्छे से बांध देना है, ऊपर भी और नीचे भी। ये आप देख लीजिए, तो मैं इसमें डोरी बांध देता हूँ। यहाँ पे ओलंबो होने के बाद में ऊपर और नीचे दोनों साइड में आपको खिल्ला ठोककर डोरी को टाइट से दोस्तों बांध देना है। एक बार अगर ओलंबो ये हो जाने के बाद में तो क्या दोस्तों लाइन आपका बिल्कुल स्ट्रेट होगा। और यहाँ पे उसके बाद में ये मेरा काम जो है दोस्तों जेट क्लैंप से होने वाला, तो ये सब जेट क्लैंप मैं काट लेता हूँ और आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जेट क्लैंप जो है उसको काट दिया हूँ। यहाँ पे एक 7 घर का लगता है और एक 4 घर का लगता है, तो इसको अब मैं वहाँ पे जहाँ पे डोरी दोस्तों मारा था आउटसाइड में, वहाँ पे डोरी के साइड में इसको टच कर लगाऊंगा। तो यहाँ पे आपको डोरी में आपको ध्यान रखना है, जब दोस्तों आप जेट क्लैंप आप लगाते हो तो डोरी से बिल्कुल आपको हल्का 1-2 mm गैप करके आपको लगाना है, ताकि डोरी सरके ना, तो क्या आपका लाइन जो है दोस्तों स्ट्रेट रहेगा। तो यहाँ पे जेट क्लैंप जो है कम्प्लीटली मैं लगा चुका हूँ। यहाँ पे आउटसाइड के वॉल में दोनों साइड में लाइन आएगा और यहाँ पे जो दोस्तों मैं काम करूँगा दोनों रेन वाटर, वेस्ट वाटर और सॉइल वाटर का काम, यहाँ पे दोनों वाइट टी और मैं डोरबैंड से यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इसीलिए 10 फीट का एक पाइप में सबसे पहले वाइट टी को मैं लगा दे हूँ। अब इसको मैं दोस्तों जेट क्लैंप के साथ में यू बोल्ट से टाइट कर दूँगा। तो यहाँ पे जितना आएगा उसके हिसाब से आपको वाइट टी से आपको डोरबैंड से आपको पकड़ कर देख लेना है, उसके बाद में आपको क्या करना है यू बोल्ट को आपको टाइट लगा देना है अच्छे से। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं डक्ट से इसका जो चैम्बर है उसमें मैं कनेक्ट कर पूरा ऊपर तक लाइन आपको करके दिखाऊंगा इस, और इसका साथ ही साथ पानी का जो लाइन है वो सब भी मैं आपको फिट करके बताऊंगा। तो यहाँ पर जेट क्लैंप से जो काम होता है काफ़ी मजबूत, मतलब हैवीली काम होता है आउटसाइड का लाइन, तो इसीलिए आप जेट क्लैंप से आसानी से कर सकते हो। और यहाँ पर मुझे दोनों लाइन को एक में कनेक्ट कर दोस्तों इस चैम्बर में डालना है, इसीलिए यहाँ पर टी मार दिया हूँ ऊपर और प्लेन बैंड, और यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्टली चैम्बर में मैं कनेक्ट कर दिया हूँ और ऊपर भी इसका यहाँ पे इस पाइप को लगा देता हूँ।
तो यहाँ पे पानी का जो लाइन है एक डेढ़ इंच का लाइन है और एक दोस्तों गर्म के लिए एक एक इंच का लाइन है। तो ये दो लाइन है पूरा ऊपर से नीचे तक आया है यहाँ पे आप देख लीजिए। और आपको इसका जो आउटसाइड का लाइन है खास करके अगर तीन मंजिल का दोस्तों बंगला होता है दो से तीन मंजिल का उसमें आपको पूरा लाइन जो है दोस्तों आपको डेढ़ इंच का लाइन लेना है आउटसाइड में तो क्या आपका पानी का प्रेशर रहेगा। और यहाँ पर वाई टी और डोरबैंड से काम हुआ है यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों कितना शानदार लग रहा है। तो क्या यहाँ पर डोरबैंड देने का यह मतलब है दोस्तों अगर अंदर ड्रेनेज लाइन में कुछ जाम फ्यूचर में अगर जाम वाम हो जाता है तो यहाँ से डोरबैंड खोलकर आप यहाँ से वायर वगैरह घुसाकर साफ कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे डोरबैंड और वाई टी से यह काम हुआ है आप देख सकते हो। इसका यहाँ पे पानी क्या दोस्तों वाई टी से काम करने का यह मतलब है पानी आपका रिवर्स नहीं होगा सीधा पानी चला जाएगा और इसमें पानी का साउंड भी बहुत आपको कम देखने को मिलेगा। यह पूरा लाइन आप देख लीजिए ऊपर तक बिल्कुल स्ट्रेटली गया है क्योंकि यहाँ पे डोरी बांधकर जेट लैम्प से काम हुआ है। तो जेट लैम्प से काम अगर आप करते हो तो आपको दिखता भी देखने में भी अच्छा लगता है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पूरा कंप्लीट हो चुका है सब काम। अब मैं इसका अंदर का ड्रेनेज वगैरह भी दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम है सभी यहाँ पे दोस्तों वाई टी और 45 से काम मैं यहाँ पे इसमें कर रहा हूँ ताकि ड्रेनेज में कभी ब्लॉकेज ना आए वाई टी यहाँ पे क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर का जो बाथरूम है इसमें पी ट्रैप लगाया हूँ क्योंकि यहाँ पे इसमें खड्डा काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे मिट्टी है। तो यहाँ पे आप ग्राउंड फ्लोर का बाथरूम में आप पी ट्रैप लगा सकते हो जहाँ पे दोस्तों खड्डा ज़्यादा रहता है संग ज़्यादा रहता है वहाँ पे आपको पी ट्रैप का यूज़ करना क्योंकि सबसे बेस्ट होता है ट्रैप के अगर नानी ट्रैप मल्टीपल ट्रैप या फिर पी ट्रैप में से पी ट्रैप भी बेस्ट होता है। तो इसलिए आपको पी ट्रैप अगर लगता है तो वहाँ पर आपको जहाँ पर लगा देना है ये आप देख लीजिए सब काम हो रहा है। और आउटसाइड का मैं सभी काम आपको लोगों का अभी दिखाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपके वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त बाय।